हेलो दोस्तों, मैं हूँ काजल। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से आपका जो है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम है, क्योंकि कल से 7 अगस्त है, तो उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई गई है। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छे ग्रेड से पास होना है तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में नया टेम्पलेट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम आएगी। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, मैंने येलो से मार्क किया हुआ है। इसका जो सही करेक्ट आंसर है वह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में अगर आपको एक न्यू टेम्पलेट जोड़ना है तो उसके लिए आपको इस कुंजी का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है, कीवर्ड की मदद से यूज़र को डाटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट क्या कहलाती है। ऑप्शन है चैट इंजन, रूट्स, वेब सर्वर, तो या फिर सर्च इंजन। अगर आप कोई कीवर्ड्स है और उसको क्या है सर्च मारते हैं तो कहाँ जाते हैं, सीधा गूगल पर ही तो जाते हैं। तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन ही तो है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या है। ऑप्शन है अनटाइटल, अनटाइटल वन, डॉक्यूमेंट वन, या फिर डॉक वन। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इम्प्रेस में कुछ इस तरह का एक टाइटल बार बना हुआ होता है जिस पर जो है नाम लिखा हुआ होता है। जैसे मेरा नाम काजल है तो मैंने यहाँ पर काजल लिख दिया। जब आप फाइल नेम देते हो ना तो ये ऊपर टाइटल बार में इस तरह लिख जाता है, लेकिन ये पूछ रहा बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि पीछे से जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, तो वो एंटाइटल्ड वन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ IIS, IIS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, या फिर इंस्टेंस इंफॉर्मेशन सर्विस। तो IIS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। गाइस, आपको जो है फुल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, एग्ज़ाम में स्किप नहीं करनी है। फुल फॉर्म ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। और आपको जो है कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप जो है ग्रेड ए जो है कैसे ला सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेना। वो वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है जो कल एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो OSI मॉडल में लेयर होती है आपकी 7, तो ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, चार्ल्स बाबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन है डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, एनिएक, या फिर यूनिक, यूनिवेक। तो चार्ल्स बाबेज कौन थे, कंप्यूटर के जनक थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर। तो ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका एनालिटिकल इंजन, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है पैकेट, ईमेल के प्रकार, प्रॉपर्टीज, या फिर मैसेजिंग। इंटरनेट पर अगर आप कोई सूचना भेजते हैं तो वो एक छोटे छोटे इस तरह पैकेटों में क्या है विभाजित हो जाती है, तो वो जो है पैकेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना यानी कि APY के माध्यम से न्यूनतम राशि पेंशन कितनी मिलती है। ऑप्शन है 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000। तो APY में जो है राशि मिलती है आपकी 1,000। नेक्स्ट है, जब कोई पता आप टाइप करते हैं, जैसे आपने टाइप करा http://www.mkcl.organization, तो यहाँ .org से तात्पर्य क्या है। देखिए, org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक गाइस डोमेन नेम होते हैं जो कि आपको ये भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका क्या नाम मतलब हो गया, org का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। बहुत सी होती हैं, जैसे .nic है, ये सब जो है डोमेन नेम होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डोमेन नेम पर भी मैंने अलग वीडियो बना रखी है, अगर आपने पहले से डोमेन नेम याद कर रखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर रखे होंगे तो हमारे इस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में रूलर बार के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, या फिर नन ऑफ दीज। तो
इम्प्रेस में अगर आपको रूलर बार खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की उपयोग करते हैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस आर। नेक्स्ट है वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है लिंकिंग, नेविगेटिंग, पेजिंग या फिर होपिंग। तो वेब पेज पर अगर आपको एक साइट पर है और दूसरी साइट पर जाना है तो वो प्रक्रिया कहलाती है नेविगेटिंग। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं। ऑप्शन है 10, 20, 30 या फिर 15। मेन्यू जो होते हैं इम्प्रेस में वो होते हैं आपके 10। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है सभी फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम हैं सिवाय किसके। ऑप्शन है विनजिप, रेड, रोर या फिर पिकजिप। तो पिकजिप के बिना ये जो है आपका पिकजिप हुआ, विनजिप हुआ, ये सभी क्या है कंप्रेशन प्रोग्राम माने जाते हैं, लेकिन रेड क्या है ये आपका कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दो करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सा स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। फ्लाइव फ्रॉम टॉप, फ्लैश ऑन, टाइपराइटर या फिर ऑल ऑफ दीज, मीन्स सभी हैं। तो स्लाइड एनिमेशन क्या होती है, वो होती है आपकी फ्लैश ऑन। स्लाइड एनिमेशन का अगर आपने यूज़ किया होगा उसमें जो स्लाइड होती हैं वो जैसे कि नीचे से ऊपर होती रहती हैं, उनके जो है मतलब ट्रांजिशन से बदल जाते हैं, तो उसमें फ्लैश ऑन का आपने ऑप्शन पाया होगा। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है। ऑप्शन है मेल सर्वर, चैट सर्वर, क्लाइंट सर्वर या फिर मैसेजिंग सर्वर। इंस्टेंट मैसेज क्या है पूछ लेते हैं कि इंस्टेंट मैसेज करने वाली ऐप कौन सी हैं। तो गाइस जितनी भी आप चैटिंग ऐप यूज़ करते हो ना, व्हाट्सएप, FB, आपका इंस्टाग्राम, ये सभी जो है इंस्टेंट मैसेजिंग की ऐप है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक चैट सर्वर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या इससे अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन है मल्टी यूज़र, रियल टाइम, मल्टी टास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में नाम से पता चल रहा है दो से अधिक यूज़ करने वाला, यानी कि दो से प्लस अबोव ऊपर, उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हर एक ट्रैक नामक कुछ वेब पेज की जो है आकृति वाले हिस्सों में बटा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, गोल, ट्रैक, सेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर एक ट्रैक जो है वो सेक्टर नामक कुछ वेब की जो है आकृति में बटा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीन करेक्ट है। नेक्स्ट है MS Excel में एक ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्व अनुमान में मदद करता है, तो वो क्या कहलाता है, गो टू, रिप्लेस या गो सीक या फिर फाइंड। देखिए जो आज आपका लिब्रा ऑफिस कैल्क में जो है अपडेट हो गया है वो पहले क्या था, वो आपका कैल्क ही पहले एक्सेल था, अपडेट ही तो हुआ है, चीज़ तो वही थी। तो ये पूछ रहा है वैल्यू का, जो वैल्यू का पूर्व अनुमान पहले ही प्रेडिक्ट बता दे उसे बोलते हैं गो सीक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ PSTN क्या होती है। ऑप्शन है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, प्रोसेस स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, प्राइवेट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, PSTN की ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस में टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है। तो ऑप्शन है देखिए लिब्रा ऑफिस के मोस्टली एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आप ही देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्ज़ाम में आए हैं, तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि लिब्रा ऑफिस का जो चैप्टर है वो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गाइस मैंने लिब्रा ऑफिस पे बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, प्लेलिस्ट भी लगाई है, कल वाली वीडियो में उस पर लिख रहा होगा, आपको मिल जाएगा रामबाण ट्रिक, उस वीडियो को आप देख लेना, उसके लास्ट में जो है एंड स्क्रीन में आपको लिब्रा ऑफिस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे तो मैं इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगी, जैसी ये वीडियो एंड होगी ना आपको लास्ट में मिल जाएगी लिब्रा ऑफिस की, उसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं गाइस जो आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी मदद करेंगी। तो क्वेश्चन है लिब्रा ऑफिस में टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है। तो ये जो है ये आपके फॉर्मेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है
कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं में क्या है? ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कोड या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत गया, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस तरह से थे जो है स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो गए। तो देखिए आप यहाँ समझ लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, ये क्या है, ये कैसे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हाई लेवल की लैंग्वेज को जो है बाइनरी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होकर इसका जो सही आंसर है वो है प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब में होता है? ऑप्शन है इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, स्लाइड टैब या फिर व्यू टैब। तो स्लाइड लेआउट कमांड जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी स्लाइड टैब में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से तेज गति से डाटा भेजने वाला केबल कौन सा है? ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर, कैट 6, ऑप्टिकल फाइबर या फिर ब्रॉडबैंड। तेज गति से डाटा भेजने वाले केबल का नाम पूछा गया, तो केबल कौन सा है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ MBCS मतलब MCS की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है मैनी बिट करेक्टर सेट, मैनी बिट मैनी बोल्ड करेक्टर सेट, मल्टी बाइट करेक्टर सेट या फिर मैनी बाइट करेक्टर सेट। तो यहाँ पर है मल्टी बाइट करेक्टर सेट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पैकेट स्विचिंग की किस विधि में प्रत्येक पैकेट सूचना के संप्रेषण के लिए नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न संचार पत्र ले सकते हैं? तो ऑप्शन है TCP, वर्चुअल सर्किट या फिर UDP। तो पैकेट स्विचिंग की विधि जो है UDP द्वारा जो है दूसरे माध्यम में संचार पत्र ले सकती है। और यदि आपसे पूछ ली TCP की फुल फॉर्म क्या है, टैप क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ध्यान रखना IP की भी ध्यान रखना, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ISP की भी ध्यान रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये तीनों फुल फॉर्म पूछी गई हैं। तो ये थे वो क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों में शेयर भी कर देना। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।